बहुत ज़्यादा ऑफरोड है, ठीक है, सीधा इसमें है पानी में से निकालना है भैया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखो कितने 7:30 बज गए, और 7:30 बज गए और आज अपन निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं शिंकुला। लेकिन अभी पता नहीं है अपन ले किस रूट से जाएंगे, मे बी वाया जांस्कार और या फिर सीधे ले मनाली हाईवे। अभी भाइयों जा रहे हैं अपने साथ सारे, है ना। ये अपन को मिल गए टू शिंकुला तक, अपन ने साथ चलेंगे, अपने इधर ही रुके हुए थे हॉस्टल में। तो अब अपन चलते हैं टू शिंकुला फ्रॉम तांडी। तांडी से पेट्रोल भी फिल करना है यार, इसको छोड़ के जा रहे हैं अपन, और अब लौट के नहीं आएंगे हाल फिलहाल तो इधर। अगर हुआ कुछ तो मे बी शिंकुला से वापस आ जाएं, अगर अपन को कोई नहीं मिला वहाँ पे, कोई साथ में जाने वाला, तभी अपन जांचकर से जा पाएंगे, है ना। चलो लेट्स गो। हेलो गाइस, तो देखो भाई फाइनली वी आर लीविंग दी राशेल। और भाई क्या इतना अच्छा विलेज है, इसकी खूबसूरती ने तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, इतना ब्यूटीफुल। लेकिन इस तरफ सभी ब्यूटीफुल है। अपन क्या क्या कहाँ कहाँ रुकेंगे, और अपना 2 दिन का था स्टे यहाँ पे राशेल में, बहुत ही शानदार स्टे रहा, एक नंबर। और अभी देखो ये जा रहे हैं सारे के सारे क्लासिक पे अपना 350, तीन तीन क्लासिक जा रही हैं आगे, 2 दिखी हैं, एक और आगे निकल गई, बस उनके साथ साथ अपन चलेंगे टू शिंकुला, है ना। और फिर डिसाइड करते हैं कि जांस्कार जाना चाहिए या फिर वापस चिस्पा जाना चाहिए, है ना। चलो लेट्स गो, क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार, मज़ा आ रहा है। हेलो गाइस, तो देखो अभी अपन ना तांडी पहुंच गए, और तांडी से अभी अपन को क्या वैसे तो वापस जाना है, थोड़ा इधर पहले आना पड़ा क्योंकि यहाँ से लेना है अपन को पेट्रोल, पेट्रोल फिल करना है अपनी बाइक में भी, और एक जरीकैन भी देखनी है, जरीकैन मिल जाए जिसमें करना है अपन को पेट्रोल कैरी, है ना। चलो पहले देखते हैं कहाँ मिलेगी जरीकैन, इधर वैसे बोला तो था उनमें कि मिल जाएगी। हेलो गाइस, ऑल सेट, पूरा पेट्रोल अपन ने ले लिया था तांडी से ही, एक जरीकैन ले लिया 5 लीटर, और एक ढू डाल के बिस्लरी वाटर ढूंढी जिसमें लिया अपन ने 1 लीटर, और इतना टैंक भी हो गया है फुल, तो पूरा 1000 रुपये का पेट्रोल अपन ने डलवाया इसमें, 1000 रुपये का अभी कोई 400 रुपये का अपना बाइक में आया, और बाकी 600 रुपये का एक्स्ट्रा 6 लीटर्स। तो बस अभी निकल दी अपन, थोड़ा अपन को पीछे आना पड़ा करीब 2 किलोमीटर, लेकिन फालतू क्यों रिस्क लो, किलोंग में अभी नया नया पेट्रोल पंप खुला है तो पता नहीं है भाई, फिर वहाँ से लौट के आना पड़ता वो ज़्यादा दिक्कत होता। तो कोई नहीं, इधर ही अपन को जरीकैन भी मिल गई, 100 रुपये की जरीकैन पड़ी, और मिल गया अपनों को पेट्रोल 1000 रुपये का, पूरे 1100 रुपये लग गए। बस अब तरीके से अपनी राइड चलती जाए, लेट्स गो। वैसे देखो इधर भी पेट्रोल पंप है, किलोंग आ गए अपन ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तो अपना सब कुछ फुल है, कोई ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल पेट्रोल की, है ना। बस आगे ही चल रहे हैं अब तो मेन रास्ते से, बस अभी अपन को क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, एटीएम देखना है, क्योंकि अपने पास कैश है नहीं, और अगर अपन जांस्कार से गए तो कैश का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगा ब्रो, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो मिलने वाला नहीं है अपन को। उधर उधर अपन इधर से टर्न ले लिया और मार्केट में आ गए, पैसे निकाल लेंगे, और जो अपने साथ में चल रहे थे ना वो एक्चुअली में गलती से मार्केट के अंदर ही चले गए,
तो कोई ना, उधर से आगे से अपन सीधे रास्ता मिलेगा, मार्केट होते हुए फिर चलेंगे अपन आगे। लेट्स गो। तो भाई अभी किलोंग के मार्केट में थे अपन, है ना, और अपन को एटीएम तो मिला नहीं। सारे देखो किस्मत ख़राब है, चार एटीएम है लाइन से, सारों बंद है, लेकिन चलो एक अच्छे इंसान मिल गए, उन्होंने अपन को कैश दे दिया, अपन ने उनको जीपे कर दिया, और इधर ही हो गया अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया यार, पराठे खा लिए दो अच्छे बड़े बड़े, तो अब तो कोई ज़रूरत नहीं है कहीं तक। तो लेट्स सी, अब तो सीधे रुकना ही नहीं है कहीं, दारचा के पे रुकेंगे थोड़ा बहुत, एंड देन वी विल गो टू टुवर्ड्स शिंकुला, है ना। ओके लेट्स गो। हेलो गाइस, तो देखो अभी आ गए अपन जिस्पा पे, चले थे अपन किलोंग से, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, और वहाँ से सिर्फ कितना 20 किलोमीटर कुछ था अपना जिस्पा। और देखो जिस्पा में अच्छा सिटी है, बहुत सारे थे, पेट्रोल पंप तो नहीं है लेकिन बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, कैंप्स हैं, जहाँ चाहो तो स्टे कर सकते हो, अभी अपना पता नहीं है। अपन भी मे बी इधर स्टे करें रिटर्न में, अगर अपन जानस्कार से नहीं गए और अगर शिंकुला से वापस लौट आते हैं तो फिर अपन को इधर ही जिस्पा में स्टे करना पड़ेगा। अगर इसके आगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई स्टे ऑप्शंस रहेंगे, वैसे विलेजेस तो बहुत पड़ते हैं, लेकिन यही सबसे सही जगह है जिस्पा में स्टे करने के लिए। यो लुक एट दिस ब्यूटी, यो बहुत सारे होम स्टेज भी हैं और कैंप्स, तो आप देख ही सकते हो। और अभी यहाँ से दारचा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8-9 किलोमीटर और बचा हुआ है, वहाँ से अपना रास्ता होगा चेंज, वी विल लीव दी ले मनाली हाईवे आफ्टर दैट, बिकॉज वी विल गो टुवर्ड्स शिंगुला, टुवर्ड्स ट्रांसका। देखो ये अभी दारचा इधर आ गए थे अपन चेक पोस्ट पे, यहाँ होगी एंट्री, है ना, कराते हैं एंट्री, लेट्स सी। तो भाई सभी राइडर्स आ गए थे, तो साथ वाले अपने, और चलो आ गए, है ना, चलो लेट्स गो। अपन ने इधर हो गई है एंट्री, अपना सीरियल नंबर दे दिया उन्होंने, और शिंकुला बाइक वालों का नंबर भी नोट करते हैं वो एक्चुअली। देखो शिंकुला सीधा और ले इस साइड, अपन जाएंगे सीधे टुवर्ड शिंकुला। अगर इधर जाना है, दिस इज़ द मेन ले मनाली हाईवे, इसको छोड़ते हैं, और दिस इज़ द शिंकुला रोड। शिंकुला यहाँ से 39 किलोमीटर्स, पादों में 143 किलोमीटर्स, जंकार, संबोडो, क्या क्या जगह है, चीका, बहुत सारी चीजें। सो वी आर नाउ ऑन शिंकुला रोड, शिंकुला हाईवे। अरे अभी तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बिल्कुल हाईवे से अच्छा लग रहा है, पूरा हाईवे लग रहा है हाल फिलहाल तो। लेकिन सुना तो ऐसा शिंकुला तक थोड़ा अच्छा है रास्ता, मतलब शिंकुला चढ़ने तक का रास्ता अच्छा है, उसके बाद का रास्ता खराब हो जाएगा। और देखो ये रास्ता ना धीरे धीरे बनते जा रहा है, फिर क्या पूरा जानस्कार भी ऐसे ही हो जाएगा कुछ टाइम बाद, पूरा रास्ता, क्योंकि रास्ते तो बनते जा रहे हैं, रोड बनती जा रही है, पूरा हाईवे हो जाएगा, तो वो ऑफ रोड और वो मस्ती का मजा चला जाएगा ब्रो। अभी आ गए देखो, रोड बिल्कुल खाली है, ये रोड यहाँ अपन को कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, क्योंकि इधर से बहुत कम लोग जाते हैं, और हम जा रहे हैं अभी कुछ राइडर्स के साथ, आगे देखते हैं अगर कोई और ज्वाइन करता है, मिलता है अपन को तो भाई मज़ा आ जाएगा। अगर सोलो हैं तो एक बार सोचना पड़ेगा शिंकुला जाके कि आगे जाएं या फिर रिटर्न। चलो मिलते हैं थोड़ा और आगे, लेट्स एंजॉय दिस जर्नी।
देखो भाई इतनी दूर आ गए अपन, और अब अपना शिंकुला बचा इधर से सिर्फ 5 किलोमीटर। लेकिन अभी ना आगे अब रास्ता ऑफ रोड है। अभी तक तो क्या शानदार हाईवे था, टाइम ही नहीं लगा अपन को, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 मिनट में अपन दारचा से यहाँ तक आ गए। और इतना शानदार रोड था, मज़ा ही आ गया क्यों सफ़र में। अब चलते हैं आगे, यहाँ से है थोड़ा ऑफ रोड टू शिंकुला, तो यहाँ से टाइम लगेगा और सिर्फ 5 किलोमीटर है वैसे तो, कोई ना ऑफ रोड तो चाहिए थोड़ा बहुत। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन कर लिया अपन ने, थोड़े से रुके थे फोटो सेशन के लिए सभी भाइयों के साथ, और अब आगे चल दिए अपन। इधर देखो स्नो भी है दोनों तरफ, इस तरफ तो पूरे पहाड़ हैं, इधर एक साइड भी इधर लगी हुई है स्नो, यहाँ से साफ की होगी रोड से, रोड पे तो अभी सब साफ है बिल्कुल। थोड़ी जगह थोड़ा ऑफ रोड मिला था, फिर थोड़ा अच्छा रोड मिला है, अब थोड़ा फिर से ऑफ रोड टाइप शुरू हो गया है। और शिंकुला इतना ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर और है अभी तो, क्योंकि मैप में तो पहले जल्दी बता रहा था, लेकिन अभी लोकल से पूछा उन्होंने बताया अभी तो है टाइम शिंकुला में। और देखो ये है ऑफ रोड का मज़ा, कितना और है बस। तो भाई देखो इधर जेसीबी से वो खुदाई चल रही थी, उन्होंने इसलिए 2 मिनट अपन को रोक दिया वहाँ पे, क्योंकि फालतू में पत्थर वत्थर गिर जाते है ना। लेकिन अभी उनने थोड़ा रोक दिया था, फिर अपन आगे निकल लिए। अब यहाँ से इनने बोला है सिर्फ 2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है, सब अलग अलग बोलते हैं कुछ, लेकिन अभी चलो 2 किलोमीटर बोला है शिंकुला, और अब ऑफ रोड ही है पूरा 2 किलोमीटर तक टिल शिंकुला। थोड़ा थोड़ा पानी भी है इधर, थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं चलते हैं, लेट्स गो। सो बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच गए शिंकुला पे अपन, देखो बिल्कुल अच्छा खासा एल्टीट्यूड गेन कर लिया अपन ने। शिंकुला का अगर एल्टीट्यूड की बात करें ना, तो शिंकुला का एल्टीट्यूड है 16,615, ऐसा मैंने ऑनलाइन देखा था गूगल पे। अभी देखो कितना ये पानी निकल रहा है भयंकर, रोड अच्छा है बस ये है तो फर्क नहीं पड़ रहा। और शिंकुला का एल्टीट्यूड है ना, तो अच्छा खासा एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं अपन कुछ थोड़े और टाइम में, लेकिन अभी कुछ नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा अपन को कि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा अपन ने डायमॉक्स वाइमॉक्स ली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार जा चुका हूँ गुरु डूमार गया था लास्ट टाइम सिक्किम में, तो उसका एल्टीट्यूड तो करीब 17,000 के ही पार है, तो वहाँ भी अपन ने झेल लिया था, तो कोई नहीं ये भी तो झेल ही लेंगे, ये तो 16,500 ही है ना। और अभी तक तो बिल्कुल इतना ऊपर आ गए, सब नॉर्मली चल रहा है, नो प्रॉब्लम थोड़ा, लेकिन बाइक में अपना पावर गिरा है थोड़ा है ना एक्सपल्स, क्योंकि लगेज भी है अपना, इसलिए थोड़ा लग रहा है थोड़ा पावर में गिरावट आ गई बाइक में, क्योंकि तीसरे चौथे गियर में तो काम चल ही नहीं पा रहा। और देखो अरे वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी, ये ऑफ रोड वाली, ओ हो हो, देखो आखिरकार शिंकुला पहुंच गए। शिंकुला से निकल आए अपन, कुछ पता चला नहीं है एक्चुअल में, कोई पत्थर वत्थर तो दिखा नहीं अपन को जिस पे लगा होता है इतना एल्टीट्यूड है, और थोड़ा नीचे आ गए मतलब जो पीक था उससे, अब तो अपन बिल्कुल नीचे है। और इधर देखो पूरा ये लेक है रिवर है कुछ पता नहीं चल रहा, पूरा फ्रोजन है, और हवाएं चल रही है अच्छी खासी, एल्टीट्यूड इतना बढ़ गया, लेकिन ठीक है सब नॉर्मल। आगे चलना है थोड़ा और, चलो भाई ये सब भी चलना है थोड़ा और आगे, अभी इधर से तो पूरा ऑफ रोड है अब तो आगे। वीडियो के प्रेशर में भाई बोल रहे आप तो, हाँ है ना, चल रहे हैं चलो, ये भी थोड़ा थोड़ा आगे। तो भाई इधर अपन शिंकुला से अब जाएंगे जांस्कार की ओर, और अपन अकेले होने वाले हैं,
ये लोगों ने थोड़ा वादा किया था अपन से थोड़ा आगे तक तो चलेंगे, लेकिन अब थोड़ा प्लान बदल गया है, वी आर गोइंग बैक। ठीक है, और अपन चलेंगे अब आगे और यहाँ से होगी सोलो राइड स्टार्ट। सारी क्लासेस जा रही हैं, ठीक है, तीनों क्लासेस जा रही हैं और अपना अब एक्सपर्ट चलेगा आगे। सो चलते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स संस्कार। चलो भाई, तो वही अपने साथ ही चले गए अभी शिंकुला से, अपन चलते हैं आगे, है ना, पूरे अकेले है, दूर दूर तक कोई नहीं। अभी इधर से दो गाड़ियाँ निकली थी बढ़िया, 4x4 एक थार थी, तो उनके साथ ही चलते हैं, थोड़ा करते हैं उनको फॉलो, लेट्स गो। भाई भाइयों, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, ठीक है, पूरा स्नो है, मेन रोड पे पानी आ रहा है, फुल ऑन ऑफ रोड है। अब तो अपन सोलो और यहीं से सही चैलेंज एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है। और देखो ये लोग इधर रुके हुए हैं, अब बात करते हैं इनसे ना। सी पजेरो थार, ये मजा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर ही हो, अच्छा फाइनल डेस्टिनेशन। ये क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं क्या स्नो, बर्फ बीच में आ गई थी क्या, अभी क्लियर है। भाई पूरा वाटर क्रॉसिंग है, पूरा पानी ही पानी है रोड पर, पानी में से निकाल रहे हैं भाई अब तो, यही है चैलेंज। इधर पूरा अभी रास्ता बंद था, अभी इससे हटाया गया जेसीबी से, लेकिन अभी तो साफ है। ये है थार, पजेरो चल रही हैं, अब ये तो निकल जाती हैं, बाइक की मरती है। वी आर ऑन अ सोलो राइड, भाई मज़ा ही आ रहा है यार, पूरा पानी पानी है, कोई दिख ही नहीं रहा, वाटर वाटर वाटर, रोड पूरा पानी पानी। भाई देखो यहीं से हुआ सही एडवेंचर तो स्टार्ट। भाई इंचोत पानी आ गया अंदर शूज़ में, रोड ही नहीं है सिर्फ पानी पानी है भाई। अब स्लिपरी, पानी ख़त्म, इधर मिट्टी डली हुई है इसलिए स्लिपरी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मत मारो भाई, ओ इधर तो पूरा पानी भरा हुआ है ते साला। हाँ छूट गई, अब जाके थोड़ा इधर से चढ़ेंगे, यहाँ जाके हो फाइनली अब थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन यार इसी मज़े के लिए ही तो सारा इतना दूर आए थे, वो भाइयों ने मिस कर दिया यार थोड़ा ये वाला एडवेंचर, लेकिन कोई नहीं, अपन ने तो फुल मज़े लेंगे आगे। अभी तो पूरी जानकार बाकी है मेरे दोस्तों, और ये हाँ अब जाके शिंकुला, सारा ये लौट गए यार, दिस इज द शिंकुला। अपन वहीं से सोच रहे थे हाँ ये शिंकुला शिंकुला, दिस इज द मेन शिंकुला। तो देखिए भाई अब जाके फाइनली अपन शिंकुला पहुंचे, तो भाई अपने सारे वो लौट गए यहाँ से, और देखो देख सकते हो पूरा एल्टीट्यूड है 16,580 फीट, और आगे शिंकुला अब जाना है नीचे अपन को जानस्कार साइड। हो क्या शानदार मज़ा आ रहा है, अच्छा हवा चल रही है भाई शिंकुला, और भी लोग आ गए। कहाँ से हो आप लोग? हेलो गाइस, तो देखो फाइनली अपनी एंट्री हो गई है जानस्कार में, क्योंकि शिंकुला इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जानस्कार वैली, है ना। तो अपना कोई प्लान नहीं था जानस्कार का, मतलब सोच रहे थे करें भी ना करें, लेकिन थोड़ा मन में डर था, लेकिन थोड़ा रिस्क लिया और घुस गए जानस्कार में।
अकेले ही हैं हाल फिलहाल अपन, और आगे कुछ टाइम अकेले ही बिताएंगे जांस्कार में। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, चैनल के साथ ट्रैवलिंग माइंड, क्योंकि आगे पूरा जांस्कार का एडवेंचर बाकी है ना। तो बिल्कुल मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और अच्छे एडवेंचर के साथ, है ना। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल हमारा तो कर लो, जितेश ट्रैवलिंग माइंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।